That's up in the air, he's getting under it. This could be victory, it is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory. What a great victory. अभी जो आपने ये क्लिप देखी, ये 1992 का वर्ल्ड कप है और आखिरी कैच लिया है रमीज राजा ने, उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड टाइटल जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया। अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल जमील टीएफडी स्पोर्ट्स के साथ हाजिर है। मेरी हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है कि काइंडली हमारे चैनल को टीएफडी स्पोर्ट्स को लाइक करें, उस पर कॉमेंट्स दें और इसको सब्सक्राइब करें। यह आपका चैनल है, हमारी कोशिश होती है कि हम नए अंदाज के साथ स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ खबरें आप तक पहुंचाएं। गर्मा गर्म खबर यह है कि जनाब रमीज हसन राजा को नॉमिनेट कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए, और उनको अंदिया भी दे दिया गया है कि वो अगले चेयरमैन होंगे। एहसान मानी साहब की 3 साल की मुद्दत ख़त्म हुई, वो रुखसत हुए। इस वक्त बहस ये नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इस वक्त तमाम ही निगाहें रमीज हसन राजा पे लगी हुई हैं कि वो क्या करते हैं बहसियत चेयरमैन के। सभी निगाहें उनकी तरफ लगी हुई हैं। आइए इससे पहले कि हम कुछ और बात करें, रमीज राजा के प्रोफाइल पे बात करते हैं। आइए देखिए, रमीज राजा 14 अगस्त 1962 में फैसलाबाद, जिसका नाम उस वक्त लालपुर था, पैदा हुए। उनका ताल्लुक पढ़े लिखे खानदान से है, वालिद डिप्टी कमिश्नर थे। बड़े भाई मरहूम वसीम हसन राजा इंतहाई एक्साइटिंग और अटैकिंग क्रिकेटर थे। पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कई टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया। मरहूम वसीम हसन राजा HSN कॉलेज लाहौर में पढ़ाते भी थे। रमीज राजा ने सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर से स्कूलिंग की, उन्होंने HSN कॉलेज से भी तालीम हासिल की और पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट 1978 में खेलनी शुरू की। रमीज राजा ने टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ कराची में 2 मार्च 1984 से किया। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। रमीज राजा ने 57 टेस्ट में 2833 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 2 सेंचुरी और 22 फिफ्टीज स्कोर की। 122 रन का उनका सबसे ज़्यादा स्कोर था। उन्होंने 198 ODI में शिरकत की और 5831 रन बनाए, जिसमें 9 सेंचुरी और 31 फिफ्टीज शामिल थी। ODIs में उनका सबसे ज़्यादा स्कोर 119 रन था। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO भी रहे। क्रिकेट कमेंट्री की वजह से उन्होंने CEO का ओहदा छोड़ दिया था। क्रिकेट के मैदान में उम्दा कारकर्दगी के बाद उन्होंने कमेंट्री के मैदान में भी कमाल कर दिखाया। उनके जुमले, खेल को बयान करने का अंदाज पुरजोश और मुनफरिद है। मंजरकशी और क्रिकेट को बयान करने का तरीक़ा लोगों को उनको सुनने पर मजबूर कर देता है। रमीज राजा को इंतजामी उमूर का तजुर्बा भी है। वो ऑन एंड ऑफ द फील्ड अपने स्टाइल की वजह से दुनिया क्रिकेट में जाने और माने जाते हैं। खुश लिबास और मिलनसार होने की वजह से लोगों में खासे मकबूल हैं। उनकी खूबियों में एक खूबी यह भी है कि वो बहुत तवज्जो से लोगों की बात सुनते हैं। रमीज राजा ने 26 अप्रैल 1997 को श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेला। तो जनाब ये प्रोफाइल था रमीज हसन राजा का। कई लोग उनके खिलाफ मुहिम भी चला रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी जांचने से पहले किसी के खिलाफ मुहिम चलाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब सारी निगाहें रमीज राजा की तरफ हैं। रमीज राजा, दुनिया क्रिकेट में आपने जितने खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले, लोगों के जहनों में अब तक वो है। अब ये देखना है कि बहसियत चेयरमैन PCB आप कितने खूबसूरत स्ट्रोक्स खेलते हैं। देखिए, ये एक चैलेंजिंग पोस्ट है। कई लोग आए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आए, लेकिन नाकाम रहे। आप पे भारी जिम्मेदारी है। अगर आपको बेहतरी करनी है तो सबसे पहले रमीज राजा, ये कोई मशवरा नहीं है, ये आप खुद जानते हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेके आइए और मेरिट को राइज कीजिए।
उसी में आपकी कामयाबी होगी। आगे पीछे बड़े लोग आएंगे, आपको पूरा इख्तियार होगा। 13 सितंबर को आपको वोटिंग होगी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पीसीबी का इजलास होगा जिसमें आपको यकीनन मुंतखब कर लिया जाएगा। इकबाल जमील को TFD स्पोर्ट्स की जानिब से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।